तो यार देखो, आज से 3 साल पहले फ्री फायर प्लेयर सिर्फ रजिस्टर को जानते थे, आज खुद को ही रजिस्टर समझने लग जाते हैं। इसकी वजह से न तो उनका रैंक पुश हो पाता है और न ही उनका गेम प्ले अच्छा हो पाता है। और आप जानते हैं कि सीएस रैंक पुश करना रैंडम प्लेयर के साथ कितना मुश्किल हो चुका है। कभी कभी तो कुछ रैंडम प्लेयर ऐसे आ जाते हैं जो खुद खेलने जानते नहीं और आपको ज्ञान देने लग जाते हैं, और जब आप उनको ज्ञान लेने से साफ इनकार कर दो तो आपको गंदी गंदी गालियाँ देने लग जाते हैं। और हम तो कोई महात्मा गांधी है नहीं कि हमें कोई एक गाल पे चाटा मारे तो हम दूसरा गाल आगे बढ़ा दे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हम भी क्या करते हैं, हम भी उसको वापस से गालियों का जवाब गालियों से दे देते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि कुछ समय बाद हमारा गेम खत्म हो चुका है और हम लोग मैच हार चुके हैं। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इजीली सीएस रैंक पुश कर सकते हो। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप लोग जाके फॉलो कर लेना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई। तो यार देखो, आप लोग फर्स्ट राउंड में ही हमेशा गलती कर देते हो। आपको M500 कभी फर्स्ट राउंड में नहीं लेना है, चाहे आप लोग कितने भी प्रो प्लेयर क्यों ना हो। आप लोगों को हमेशा 2 USP या फिर आप लोगों को ट्राई करना कि G18 ले लो। कम से कम आप लोगों को एक या दो किल करना है जिससे कि आपको जो है अगले राउंड के लिए एक्स्ट्रा कॉइन मिल जाए। अच्छा, हमको सिखा रही है। जिससे कि आप सेकेंड राउंड में UMP या MP5 को ले सकते हो। और अगर आप लोग ज्यादा किल करोगे तो शॉटगन आ जाएगा, तो और अच्छी बात है, आप लोग इजीली सेकेंड राउंड को विन कर सकते हो। आपको सेकेंड राउंड में कभी वेस्ट या हेलमेट नहीं लेना। आप लोग वेस्ट या हेलमेट के जगह पे ग्लूवल को परचेस कर सकते हो। मैं वेस्ट या हेलमेट लेने के लिए क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि सेकेंड राउंड में आप लोग वेस्ट अगर हेलमेट ले लोगे तो आपके पास कोई अच्छी गन नहीं आ पाएगी जिससे कि आप जो है फाइट इजीली कर सको। वेस्ट या हेलमेट के जगह आप लोग ग्लूवल को परचेस कर सकते हो जिससे कि आप जो है सेकेंड राउंड को इजीली विक्ट्री कर सकते हो। ट्रिक नंबर 2, कन्फर्म नॉक यूनिमी। आपको अगर कहीं पे भी एक बंदा डाउन दिखे तो आपको तुरंत उसको कन्फर्म कर देना है। लेकिन यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करना, आप इनिमी अगर आपको डाउन दिखे और वहाँ पे अगर उसके आसपास कोई उसका टीममेट ना हो तभी आप उसको कन्फर्म करने के लिए जाओ। बाय द वे आप उसके पास मत जाओ। आपके पास अगर कोई लॉन्ग रेंज का गन है और आपको लग रहा है कि आप उसको दूर मतलब कि लॉन्ग रेंज से इजीली कन्फर्म कर सकते हो तो आप लोग कर दो। अब मैं नॉक यूनिमी को कन्फर्म करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, कन्फर्म करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर उसका टीममेट उसको कोई रिवाइव कर देता है तो आप के लिए जो है परेशानी बढ़ जाएगी और आप लोग को मैच खेलने में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगा। अब हमारा जो ट्रिक नंबर 3 है वो है कवर योर टीममेट एंड कैंपिंग। यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो आपको कैंपिंग करना है या टीममेट को कवर करना है, तो आपको यहाँ पे दोनों करना है। आप लोग एक लॉन्ग रेंज की गन ACAT या उडपिकर या हाई डैमेज वाला कोई सा भी गन ले सकते हो। उसको लेने के बाद जो आपको एक हाइट वाली जगह पर चले जाना है जिससे कि आपको एक एडवांटेज मिल सके। अगर आप लोग कोई भी इनिमी को मारोगे सामने वाला तो ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका हेडशॉट उसके ऊपर लग जाएगा एंड आपके टीममेट को आप इजीली कवर कर सकते हो। इन आप लोगों को यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोग कभी भी खुले में जाके जो है अपने टीममेट को कवर मत करना, वरना पता चलेगा आप कवर करने के चक्कर में खुद ही डाउन हो जाओगे। यह काम आपकी स्क्वाड में से किसी न किसी एक को तो करनी है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे फिर से एक बात बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोग को जो है कैंपिंग करते हुए अपने टीममेट को कवर करना है, ना कि सिर्फ कवर करना है। तो यहाँ पे आपको कैंपिंग भी नहीं करना और कवर भी नहीं करना, आपको यहाँ पे दोनों काम करना है। तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखना। एंड यहाँ पे हमारा जो 4th नंबर ट्रिक होने वाला है वो होने वाला है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। आप लोग बहुत बार सोचते हो बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन CS का क्या है, तो मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको जो हमेशा मोको कैरेक्टर का यूज़ करना है जिससे कि आपके आसपास में अगर कोई बंदा है तो आपको पता चल सके। जैसे कि मैंने आपको कहा कैंपिंग एंड कवर फायर के बारे में, अगर यही काम अपोनेंट में कोई बंदा कर रहा है तो आप लोग को इजीली पता चल जाएगा कि आखिर वो बंदा छिपा हुआ कहाँ पे है। एंड एक्टिव करेक्टर में आप लोग जो है वुकोंग एंड स्कैलर का यूज़ कर लेना। मैं यहाँ पे स्कैलर का हमेशा यूज़ करता हूँ, वुकोंग का यूज़ नहीं करता हूँ। तो आपकी इच्छा, आप लोग कौन सा कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद आप लोग जो है मैक्सिम एंड दशा कैरेक्टर में से किसी एक का यूज़ कर लेना। अगर आप लोग मैक्सिम का यूज़ करते हो तो आप इजीली मेडिकेट फास्ट मार सकते हो, एंड दशा का यूज़ करते हो तो आपका गन का रिकॉइल कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आपकी इच्छा, आप दोनों में से कोई एक का यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो दोनों को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप दोनों में से किसी एक कैरेक्टर का यूज़ करते हो तो उसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे एक और स्किल लगा लेना है, केली या रफाल का। मुझे आपको इन दोनों में से किसी एक के बारे में भी जानकारी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग जानते हो केली का क्या एबिलिटी है एंड रफाल का भी एबिलिटी। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। रफाल का जो एबिलिटी ये है कि ये यार गन में जो है मतलब साइलेंसर लगा देता है, यह जो है उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा जो कि आप लोगों को कवर करने वाला है लॉन्ग रेंज से। तो ये कैरेक्टर उनको जरूर ले लेना है जो कि आपको कवर करेगा। और देखो, जाते जाते एक बोनस टिप्स भी ले लो। बोनस टिप्स बेस्ट पेट कॉम्बिनेशन में आपको बिस्टन या मिस्टर वैगवर का यूज़ कर लेना है। मैं जो हूँ पर्सनली मिस्टर वैगवर का यूज़ करता हूँ। आप करते हो आप लोग कमेंट करके बता देना। तो अब बात आई अपने फ़ायदे की, तो यार आप लोगों को जो है इस वीडियो को कम से कम 3 अपने दोस्तों को शेयर करना है जिससे कि वो जो है ये टिप्स एंड ट्रिक्स को सीख सके और आपके साथ जो अच्छा गेम प्ले कर सके। एंड आप लोग वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक आई डोंट केयर, बट सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि ऐसी मज़ेदार वीडियो आप तुरंत देख सको। यार जाते से एक और बात, आप लोग वीडियो को लाइक ही कर देना, डिसलाइक करने से क्या फ़ायदा, मेहनत तो सेम ही लगेगी और भला हो जाएगा किसी गरीब का। तो मिलता हूँ ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।